जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बनी ब्रिलियंस में। और मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हैं आप, और जो बच्चों की ज़्यादातर प्रॉब्लम भी रहती है क्योंकि बच्चे जो है ग्रामर के रूल रट लेते हैं, लेकिन जो आपका ये ग्रामर का पोर्शन है वोकैबुलरी का, उसमें मार्क्स कहीं ना कहीं लूज करते हैं। तो बच्चे आज जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है, तो उस हिसाब से ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप किसी भी एग्जाम, आप पहले आप ये करेंगे कि आप नोटबुक अपने हाथ में लेके रखें और पेन भी, पहले आप आंसर लगाएं, उसके बाद जो है आंसर यहाँ से चेक करें। तो ये बच्चे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए बच्चे, ये जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जाएगी, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, कई बार जो है बच्चे एक वर्ड देके आपसे सेंटेंस पूछा जाता है, कई बार सेंटेंस देके एक वर्ड पूछा जाता है। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे कि देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो वन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक वर्ड जो पूरे सेंटेंस की जगह क्या कर दिया जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। तो आज फोर्थ पार्ट है, और जिन बच्चों ने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल में जाएं और जो प्लेलिस्ट है वहां पे जाके, जहां पे लाइव का ऑप्शन है वहां पे सब ही आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो आपको मिल जाएंगे वहां पर। और आप लोग जल्दी से जल्दी वहां पे जाके वो पहले वीडियो देख लें, उसके बाद इसको ज्वाइन करें। भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन द वर्ड। देखिए अ पार्टनर इन क्राइम बात की जा रही है, ऐसा व्यक्ति जो इसमें भाई क्राइम में इन्वॉल्व हो आपके साथ। तो आप, आपको पता ही है कि आपका जो बचपन है, आपका एक ऐसा दोस्त होता है कि आप बोलते हैं यार ये तो मेरे हर एक अच्छे दुख और सुख में साथ रहता है, वैसा ही एक क्राइम पार्टनर होता है, उसे क्या बोलते हैं। ठीक है बच्चे, देखिए ऑप्शन है आपके पास, अकॉम्प्लिश, एलवीआई, अमेचर एंड एजेंट। तो आपको पता है बच्चे, एजेंट तो आपको पता ही है, जैसे एलआईसी एजेंट होते हैं, एजेंट जो क्या होते हैं, जो जो है वो एजेंट एक टाइप का, आप लोगों को पता ही है कि जैसे आपने सुना होगा एलआईसी एजेंट है जो किसी बड़ी कंपनी के साथ छोटे स्तर से व्यक्ति जुड़ा होता है किसी कंपनी के साथ, उसे एजेंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक मीडिएटर का काम करता है बिटवीन पार्टीज एंड कंपनी के बीच में, दैट इज एजेंट बोलते हैं उसे। ठीक है बच्चे, एक अकॉम्प्लिश ये होता है, AccomplisH, एक अकॉम्प्लिश ये होता है। इस अकॉम्प्लिश की बात की जाए तो आंसर यही रहेगा बच्चे, इसको बोलते हैं हम ऐसा व्यक्ति, अ पार्टनर इन क्राइम, कोई अपराधी कोई किसी व्यक्ति का अपराध में साथ देता है उसे अकॉम्प्लिश बोलते हैं। लेकिन इस अकॉम्प्लिश की बात की जाए तो इसका मतलब होता है बच्चे टू डू डिफिकल्ट टास्क, कोई ऐसा काम जो डिफिकल्ट काम है वो किया है, दैट इज अकॉम्प्लिश। ठीक है बच्चों, अगर अमेच्योर की बात की जाए, तो अमेच्योर का मतलब क्या होता है, अनएक्सपीरियंस पर्सन, नो सीखिया व्यक्ति, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, नो सीखिया व्यक्ति जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, इसके लिए आप ये भी लिख सकते हैं जैसे फ्रेशर, फ्रेशर वर्ड भी आ सकता है इसके लिए। ठीक है, एलवीआई अगर बात की जाए बच्चों एलवीआई की, तो एलवीआई का मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे मान लिया कि कोई सीन, मतलब कोई क्राइम होता है आपके सामने और आप वहां पर उस टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो उसे बोलते हैं एलवीआई। एलवीआई का मतलब क्या है, एब्सेंटेड फ्रॉम क्राइम साइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात है आप लोगों के पास, किलिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है बच्चे, तो किलिंग से रिलेटेड वर्ड्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, देखिए एक होता है पैट्रिसाइड, एक होता है बच्चे मैट्रिसाइड। देखिए जो ये साइड वर्ड है ये आता है आप लोगों का मर्डर से रिलेटेड, मतलब मृत्यु से रिलेटेड आता है क्या साइड वर्ड जो है, पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ठीक है, हर्बिसाइड,
ठीक है बच्चों, तो देखिए पैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु, अ पर्सन हु, अ पर्सन हु मर्डर हिज फादर, जो अपने पिता को मार दे दैट इज पैट्रिसाइड, जो मम्मा का खून कर दे दैट इज मैट्रिसाइड। ठीक है बच्चे, और अगर बात देखिए मैट्रिसाइड यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, माता की हत्या करने वाला, ठीक है, मर्डर ऑफ मदर, मदर उसे बोलेंगे हम मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड पापा की हत्या करने वाला, और जो खुद की हत्या करता है उसे क्या बोलते हैं, सुसाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, सुसाइड। तो पैट्रिसाइड, ठीक है, किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर जो अपने पापा को मारता है, ठीक है, मैट्रिसाइड किलिंग ऑफ मदर जो मदर को मारता है, ठीक है। लेकिन हमारे से पूछा गया किलिंग ऑफ बर्ड्स, और आपको पता है बर्ड्स के लिए जो वर्ड आता है बच्चे, ये जो है AVI, ये पक्षियों से रिलेटेड वर्ड है बर्ड्स, तो आपने सुना भी होगा अवेरी, अवेरी क्या होता है बच्चे, अ प्लेस, अ प्लेस वेयर वर्ड्स आर कैप्ट, वर्ड्स आर कैप्ट, जहां पर क्या रखा जाता है बच्चों, कि वर्ड्स को याद करके रखा जाता है उसे बोलते हैं हम लोग अवेरी। ये भी वर्ड से रिलेटेड है, इसीलिए जो आंसर रहेगा आप लोगों का यहाँ पर बी इज राइट आंसर रहेगा। बुल्पीसाइड, बुल्पीसाइड का मतलब होता है बच्चे किलिंग ऑफ फॉक्स, किलिंग ऑफ फॉक्स, ठीक है। और ये हर्बिसाइड होगा जो पेड़ पौधों को काटेगा, दैट इज हर्बिसाइड, हर्बी, हर्बीबोरस, हर्बीबोरस। देखिए बेटा और बता देता हूँ आपको मैं, एक बोरस वर्ड आता है, ठीक है, जैसे हर्बी बोरस है, हर्बी बोरस, उसी प्रकार से हर्बी बोरस अ पर्सन हु ईट्स, अ पर्सन हु ईट्स प्लांट्स, प्लांट्स एंड ट्रीज, ऐसा व्यक्ति शाकाहारी बोलते हैं हम, ठीक है। एक आता है आपका कार्निवोरस, कार्निवोरस, कार्नी का मतलब क्या होता है, जो बॉडीज को खाता है, पर्सन हु ईट्स, मांसाहारी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये भी कई बार पेपर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, वन हु इज एग्जामाइंस अकाउंट्स ऑफिशियली, जो अकाउंट्स को देखता है उसे क्या बोलते हैं हम, तो क्या कलेक्टर बोलते हैं, नहीं सर, रेडिएटर, नो सर, ऑडिटर, क्या बोलते हैं उसे हम, ऑडिटर। जी इसका राइट आंसर रहेगा आप लोगों का हैपनिंग एवरी टू इयर्स, जो हर दो साल में होता है, और एक साल में जो होता है वो तो आप लोगों को पता ही है, एवरी हैपनिंग एवरी इयर्स, अगर ऐसे आता बच्चे हैपनिंग एवरी इयर्स, तो एवरी इयर्स क्या आता है, एनुअल। आपने जब आप स्कूल टाइम में होंगे तो एनुअल फंक्शन में गए होंगे, तो एनुअल का मतलब क्या होता है, जो साल में एक बार आए, और जो साल में दो बार आए उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है बच्चे। देखिए एक बाय एनुअल है, एक बाय बाइनियल है, ठीक है बच्चे, बाइनियल, बाइनियल। अगर इसकी बात की जाए बच्चे बाय एनुअल, बाय एनुअल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये साल में दो बार होगा, नहीं, इसका मतलब क्या है कि एक साल में जो दो बार होता है, हैपनिंग टू टाइम्स इन अ ईयर, हैपनिंग टू टाइम्स इन ईयर, छह छह महीने के बाद जो हो उसे बोलते हैं हम लोग बाई एनुअल। और अगर बात की जाए सेंटिनियल, सेंटिनियल का मतलब क्या होता है, हैपनिंग, हैपनिंग एवरी थ्री ईयर्स, जो हर तीन साल के बाद हो, और सॉरी सेंट्रल हंड्रेड ईयर्स के बाद होगा, सॉरी बच्चों, हैपनिंग एवरी हंड्रेड ईयर्स, हर सौ साल के बाद जो होगा दैट इज सेंटिनियल होगा। ट्राइनियल, ट्राइनियल, ट्राई, ट्राई वर्ड तीन के लिए आता है, हैपनिंग एवरी थ्री ईयर्स, जो तीन साल के बाद हो बच्चों। तो जो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर वो सी पार्ट में रहेगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के पास, एरर्स ऑफ डिसकॉर्डेंट साउंड,
मतलब हैरासमेंट हो रही है आपको किसी गंदी साउंड से। देखिए बच्चे, एक वर्ड आता है कोली, एक वर्ड आता है कोको। अगर आप कोलीग्राफ बोल देते हैं, ग्राफ वर्ड राइटिंग के लिए आता है, अगर आप कोलीग्राफ बोलते हैं तो अ पर्सन हु राइट्स राइट ब्यूटीफुल। कोली वर्ड जो आता है बच्चे, ये आता है आपका ब्यूटीफुल के लिए, अच्छी राइटिंग के लिए। जबकि ये कोको वर्ड जो है, ये आता है अगली के लिए, बैड के लिए। तो ग्राफ वर्ड लगा दिया अगर आपने इनके आगे, ठीक है, अगर ग्राफ वर्ड लगा दिया इनके आपने इनके आगे, तो ये राइटिंग से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, राइटिंग से हो जाएगा कोकोग्राफ, पर्सन हु राइट्स इन वेरी बैड। उसी प्रकार से अगर फोनी, एक वर्ड आता है फोनी, फोनी वर्ड जो है बच्चे, ये आपका साउंड से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है बच्चे, साउंड से रिलेटेड है ये वर्ड जो है आपका, वो साउंड से रिलेटेड है, ठीक है, फोनी। तो आप देखिए यहाँ पे ओनी ओनी लिखा हुआ है, फोनी, ठीक है, ये देखिए फोनी लिखा है। सिम्फोनी, सिंपैथेटिक मतलब किसी को सहानुभूति देना, और सिम्फोनी का मतलब क्या है, जो ऐसा म्यूजिक, ऐसी साउंड जो आपको रिलैक्स फील करवाए, ठीक है। कोको, कोको का मतलब होता है अगली, फोनी का मतलब साउंड, इसीलिए जो आंसर रहेगा बच्चे आप लोगों का, वो डी पार्ट में आप लोगों का आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के पास, वन हु मेक्स एंड सेल्स स्वीट्स एंड पेस्ट्रीज, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है भाई, मिठाइयां वगैरह बेचता है, उसे क्या बोलते हैं हम। देखिए ग्रोसरी तो आप लोगों को पता ही, ग्रोसर का सामान जो होता है, ठीक है। कन्फेक्शनरी, कन्फेक्शनरी की दुकान आप लोगों ने सुनी होगी। ऑबलर तुम्हें पता ही है, मोची, बार्बर, ठीक है, ऑबलर और बार्बर तो तुम्हें पता ही है बच्चे, ठीक है, तो ये तो होंगे नहीं। आंसर क्या बचता है बच्चे आप लोगों का, कन्फेक्शनरी शॉप। कन्फेक्शनरी शॉप में क्या मिलता है आप लोगों को, मिठाइयां मिलती हैं, स्वीट्स, इसीलिए जो आंसर रहेगा आपका इसका, वो बी पार्ट में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, क्या ऐसा कोई इवेंट जो भाई कंफ्यूजन और डिसऑर्डर पे चल रहा हो, तो कब होगा ऐसा, जब या तो कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए डिटोनेट, डिटोनेट का मीनिंग होता है बच्चे टू एक्सप्लोड, टू मेक अ बॉम्ब, ठीक है, टू मेक अ बॉम्ब, टू मेक अ बॉम्ब, विस्फोटक जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिसरप्ट की बात की जाए, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। एक्सप्लोड का मतलब क्या होता है, किसी चीज का फटना, टू ब्रस्ट, बॉम्ब वगैरह का ब्लास्ट होना। रिप्ट, रिप्ट की बात की जाए तो इसका मतलब भी क्या होता है, ये दोनों ही क्या है, आपस में सिनोनिम्स है। डिस्टरप्ट, तो डिस्टरप्ट क्या होता है बच्चे, जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में, टू थ्रो एन इवेंट इनटू कंफ्यूजन और डिसऑर्डर इज कॉल्ड डिस्टरप्ट, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा डिस्टरप्ट भी रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइविंग इन अ बॉडी, देखिए बच्चे ये क्वेश्चन जो है ये कलेक्टिव नाउन से पूछा गया है, और कलेक्टिव नाउन की बात की जाएगी बच्चों, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जो सिंगुलर भी यूज हो जाता है और प्लूरल भी यूज हो जाता है, तो सिंगुलर भी यूज हो जाएगा और प्लूरल भी यूज हो जाएगा। देखिए आंसर क्या रहेगा, ये तो आपको पता लग ही जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखवाना चाहता हूं। जैसे बात की जाए ग्रुप्स ऑफ लॉइन की, लॉइन के झुंड को क्या बोला जाता है, सर प्राइड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्राइड बोला जाता है। अगर बात की जाए ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ कैटल, पशुओं के झुंड को क्या बोला जाता है, तो आंसर आप लोगों का रहेगा सर हर्ड, ठीक है बच्चे। और अगर बात की जाए आपकी, देखिए हर्ड भी बोल सकते हैं या ड्रॉप भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी विशेष झुंड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते तो ड्रॉप यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। और बात की जाए, देखिए और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स को क्या बोलते हैं, तारों के झुंड को क्या बोला जाता है, दैट इज क्लस्टर आएगा आपका एक आंसर। अगर क्लस्टर ऑप्शन में नहीं होगा बच्चे, तो आप लोगों के पास गैलेक्सी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, गैलेक्सी, गैलेक्सी आएगा आपका,
ठीक है बच्चों, और भी है जैसे आपके पास और है ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं सर, ज्यूरी बोला जाता है। आपने सारे गामा पा शो देखा होगा, वहां पे बोलता है ज्यूरी मेंबर का फैसला आना बाकी है। ज्यूरी का मतलब क्या है बच्चे, आप लोगों का यहाँ पर ग्रुप ऑफ जजेस। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट जजेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो दैट इज बेंच। आप लोगों ने कई बार सुना होगा बेंच बना है, बोलते हैं कि इस केस के लिए बेंच बना है, वो एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ जजेस को, अगर ज्यूरी नहीं होगा तो बेंच होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ग्रुप ऑफ कीज को क्या बोलते हैं बच्चे, ग्रुप ऑफ कीज चाबियों के गुच्छे को क्या बोला जाता है, बंच ऑफ कीज बोला जाता है। बंच ऑफ ग्रेप्स भी हो सकता है, क्योंकि वो भी क्या है एक आपका अंगूरों का गुच्छा जो है वो भी इसका आंसर बन सकता है। और भी बहुत ज्यादा है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, जैसे ग्रुप ऑफ सोल्जर बोल दें सर वो आर्मी होती है, ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाँ ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं सर, क्राउड बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा था हाउ हर्ड ऑफ फ्लॉक, फ्लॉक क्या होता है बच्चे आप लोगों का, ठीक है, फ्लॉक ऑफ एनिमल्स की बात की गई है, तो क्या आएगा बच्चे आप लोगों के लिए आंसर, ड्राइव आएगा, ड्रॉग। क्राउड की बात करें तो ग्रुप ऑफ क्या होता है बच्चे, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जाएगी, ठीक है, लोगों के झुंड को, क्लस्टर मैंने अभी बताया, ग्रुप ऑफ स्टार। स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो ये भी क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है बच्चे। तो आंसर जो रहेगा इसका एर्थ का वो डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, ऐसे स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन के बोल दी जाए उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, एक तो व्यक्ति ऐसा होता है जो बोलने में बड़ा अच्छा होता है, तो जो बोलने में बहुत अच्छा होता है उसके लिए एक वर्ड बोला जाता है, जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अ पर्सन हु इज, जो बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, बोलने में बहुत अच्छा, स्पीकिंग गुड स्किल्स है जिसके पास, उसके लिए एक वर्ड आता है, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन के जो स्पीच बोली जाती है उसे क्या बोलते हैं। देखिए डिबेट का मतलब तो तुम्हें पता है, चर्चा करना होता है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, नहीं इसका स्पीच तो आपको पता है बोलने से रिलेटेड है, ये भी नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं होगी, स्टेटमेंट तो आपको पता ही है, स्टेटमेंट क्या होती है, जैसे जो मैंने आपके सामने बात बोली है दैट इज माय स्टेटमेंट। एंड एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब ही क्या होता है बच्चे, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। नाइन्थ का जो आंसर रहने वाला है आप लोगों का वो ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ है बच्चे आप लोगों के पास, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, द डेट्स व्हेन डेज एंड नाइट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, बोलता क्या कि ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। तो आपको पता ही है दिन और रात कब बराबर होंगे, ये आप लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि आप लोग जीके भी पढ़ते ही होंगे। जब दिन रात बराबर होते हैं तो ऐसा कब होता है, जब आपका भूमध्य रेखा जो है उस पे डायरेक्ट सन जो है वो ऊपर होता है बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जो है वो दो बार आती है साल में, ठीक है, एक तो आपकी आती है 20 मार्च को, 20 मार्च को, और एक 22 सितंबर को, ठीक है बच्चों। तो एक 20 मार्च को, एक 22 सितंबर को, ये डेट दो ऐसी आती हैं, इसे क्या बोला जाता है, इकोनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इकोनिक्स। जो आंसर रहेगा आपका टेंथ क्वेश्चन का वो ए रहेगा, ठीक है बच्चों। आई होप, देखिए मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमियां हैं और कुछ चीजें आपके लिए और डिटेल में जान के और डिटेल में लेके आऊं आप लोगों के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन हमें दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। और देखिए बच्चे, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का एग्जाम नहीं जहाँ पे इंग्लिश पूछी जाती है और वहां पे ये नहीं आता होगा। और जितने भी ये सब प्रीवियस ईयर के उठाए गए हैं, जो भी अभी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं या अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप HP स्टेट से हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं जहां पर इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दायरा आप लोगों के लिए हो जाता है। और ऐसे ही बच्चे डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं बच्चों आप लोगों से अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।